नेक्स्ट चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी प्रोसेस इन इंडिया व्हाट इज इट इटा कौन जिनसटा जे आमे अपूर्वरु पले कंडीशंस गणतंत्र सफलता पाई कौन शर्तावली रहिबा दरकार किंतु वर्तमान हमको देखिबा पई पड़िबो गणतंत्र वर्तमान सफल हे पारु नाही कौन पाई सफलता हे पारु नाही ना सेति पई केते को चैलेंज रहउछि चैलेंज मींस कौन जिनसटा ना किसी ऑब्स्टेकल किसी बाधा रोच कौन से बाधा जिनसा कौन जिनसा कहीं बाधा देखा जदि आम इंडिया कथा देखा भारत भारत को क्या एक विशाल गणतांत्रिक राष्ट्र बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र कहु किंतु भारत गणतंत्र सफलता आज दुर्लभमान अवस्था रोच गणतंत्र सफल कार्यकारिता आज दोहली पड़ू तार कारण कौन ना से विभिन्न कारण दायी से गोटे कारण आज तो मान पढ़ार स्पृहा कमी जाऊँगी तुम्हें से जिनसटा को एनालिसिस कर कहीं आमर पढ़ार स्पृहा आग्रह कमी जामिलारली प्रत्येक क्षेत्र रोच आग्रह आस्ते आस्ते कमी जा इंटरेस्ट कमी जामिलारली डेमोक्रेसी जोटा रोच इंडिया भारत जो गणतंत्र रोच तार सफलता कम परिमाण देखा कहीं देखा ना विभिन्न कारण जो कौन सब से कारण रही बर्तमान आम वन बाय वन आलोचना करवा से सब रिजन गुड़िक कौन रही प्रथम जिनस विशालता लार्जनेस पॉइंट आपको लेखनीय विशालता बा लार्जनेस जोटा कि भारत एक विशाल राष्ट्र लोकसंख्या दृष्टि इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन इंडिया टेक्स प्लेस सेकेंड द्वितीय स्थान अधिकार करिछि तेणु एही विशाल जनसंख्या मध्यरे समानता सृष्टि करिबा असंभव इक्वालिटी जदि तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी गोटे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार देती समानता अधिकार किंतु समस्त मध्य आज पहुँची पारना तार कारणटा हूँ ना विभिन्न प्रकार भावधारा जो विभिन्न प्रकार चिंताधारा जो कौन से चिंताधारा ना गोटे आंचलिकता बाद रोच भाषागत लिंग्विस्टिक बाद रोच धर्मवाद रोच अर्थनैतिक असमानता रोच एमती भाव विभिन्न कारण सब रोच बर्तमान आम से जिनस को गोटे गोटे भाव डिस्कशन करवा राजनैतिक असमानता देखा अर्थनैतिक असमानता देखा अर्थनैतिक असमानता केमी देखा प्रथम देखा अर्थनैतिक इकोनोमिकाली द पीपुल आर डिस्क्रिमिनेटेड केमिति से लोक मैंने केमी डिस्क्रिमिनेटर होती जहाँ पाखे टंका रहा तो सी धनी है जहाँ पाखे टंका ना सी मैंने निज को किसी रोजगार करने ओहर परिश्रम किंतु जी पूंजी बढ़े पार्ला सी बढ़े पार्ला यही सब कारणटा हूँ कौन ना मोर जो गणतंत्र चिंताधारा कैपिटलिस्ट मान को सुहा पूंजीपति मान को सुहा तेणु निर्वाचन समय से पैसा खर्च करुंचंती सरकार को किनी नौचंती तेणु निर्वाचन पर जो दल क्षमता को आसला से ही दल को देखा लोक जो टंका देता तो निश्चित भाव सुहाइब तेणु जहाँ द्वारा कौन हो ना आम भितर गोटे असमानता सृष्टि होती कहूँ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड बी फुलफिल्ड मौलिक आवश्यकता खाली मौलिक आवश्यकता परिपूर्ण करदे हुए ना खाली खाइबापी से बचा दरकार नहीं भल मनीष भाव में बचा दरकार जोटा कि से अर्थर अभाव देखा राजनैतिक असमानता देखा कारण जी चाहूँ राजनीति क्षेत्र में पाद देवाई विशेषकर शिक्षित व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में पाद देवाई जो चाहूँगी से पछआड़ टाणी दि जा कारण
गुंडा श्रेणी अर्थ बल बलियान व्यक्ति विशेष से माने निजर बल प्रयोग करी अन्न को नियंत्रण करता आम दूरे रहा संविधान में कहुच्छी राइट टू इक्वालिटी इट मीनस एवरीबडी इज इक्वाल बिफोर दि आईज अफ लॉज बट इट इज नॉट पॉसिबल कहीं संभव नुहे ना तार कारण हूँ बेले बेले न्यायपालिका बिक्री हो जाऊँगी जोटा कि आम गणतांत्रिक व्यवस्था अनेक समय न्यायपालिका को मध्य अंगुली निर्देश करा जाउछि राजनैतिक व्यक्ति विशेष प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति विशेष द्वारा न्यायपालिका कीड़नक साजि जाउछि तेणु जहाद्वारा कि समानता मिलूना जड़े निर्दोष व्यक्ति सी दोषी सब्यस्त होता बेल जड़े दोष कर व्यक्ति निर्दोष खलास एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण रीजन बा कारण हेउची गणतंत्र प्रति चैलेंज बा प्रतिवाद सृष्टि करुवा उपादान हूँ आंचलिकता आंचलिकता क्या कहुई ना गोटे अंचल को भित्तिक करी जो भावधारा सृष्टि हुए कहुची आंचलिकता कहुची अर्थात प्रत्येक राजनैतिक व्यक्ति जत से क्षमता को जाऊँगी से आगे निज अंचल को सी गुरुत्व दूसरी निज अंचल विकास पर गुरुत्व दूसरी से भूली जाऊँगी जे से सरकार अच्छी माने समस्त सी कारण डेमोक्रेसी जो संज्ञा जोटा कही प्रथम दिन पढ़ेला बेल कही डेमोक्रेसी जो गोटे सबुठ उत्कृष्ट संज्ञा अब्राहम लिंकन प्रदान करते संज्ञा अनुसार कौन से संज्ञाटी ना डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल यहाद्वारा हूँ गणतंत्र हूँ एपरी एक शासन व्यवस्था जहाँकि लोक मान लोक द्वारा लोक मानी तेणु जो प्रतिनिधि से क्षमता को जाऊँगी से लोक मानी किसी करूनी कापाई कर निज अंचल कर आंचलिक आंचलिक तारतम्य सृष्टि करे आंचलिकता बाद से सृष्टि कर संकीर्ण स्वार्थर से बशवर्ती गोटे छोटिया उदाहरण देवी जिते बड़े कौन सी अंचल कौन सी गोटे सरकार तरफ यूनिवर्सिटी हो मेडिकल कॉलेज हो जिते बड़े प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति निगला से तार जो पड़ोसी अंचल अच्छी सी डिमांड कला जे अंचल से हो किंतु से बुझा दरकार परेश दरकार सब प्रकार व्यवस्था थी दरकार फल सृष्टि हो पार से या किंतु ना सेटा से माने भावती सेठी से माने निजर संकीर्ण स्वार्थता को गुरुत्व दिंती आंचलिकता पादर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ संकीर्ण स्वार्थपरता जहाद्वारा कि कौन ना से निज निज अंचल लोक जो प्रतिश्रुति आगे पालन करने गुरुत्व बास्तव में संभवपर हो कि न हो तेणु यही व्यक्ति विशेष यही प्रतिनिधि मानी आंचलिकता बाद आज मुंड टेकी उठी जहाँफल कि गणतंत्र सफलता पाई सहायक हो पार ना तुम्हें जान थो ब्रिटिश जो आमको शासन कला सेवस्था से सृष्टि करते अर्थात डिवाइडिंग रूल ऑफ पॉलिसी तेणु आम मध्य एकता सृष्टि करने कारण से माने अंचल अंचल विरुद्ध अंचल अंचल मध्य विभेद सृष्टि करते हिंदू मुसलमान मान मध्य कलह सृष्टि करते कारण एकता को नष्ट ठीक सेमती बर्तमान मध्य जिनसटा जो प्रतिनिधि माने जाउचंती से माने अंचल को भित्तिक करी से माने संकीर्ण राजनीति करुचंती फल कौन हो फल से माने अंचल मध्य गोटे पाचेरी सृष्टि करदे तेणु गणतंत्र सफलता पर लोकंर आग्रह कमी जाऊर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी प्रोसेस इन इंडिया इज लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम कौन जिनसा ना भाषागत प्रॉब्लम जदि चो
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଭାଷା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯେପରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କିମ୍ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସେହିଭଳି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ଭାରତ ଏକ ବହୁ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏନି ରିଲିଜନ୍, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲବାଦ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ନା ନକ୍ସଲବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ବିଶେଷ କରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା ସେନା।